आम खबर ज़ाहिर करें, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम का ऐलान मजीद ताखिर का शिकार हो गया है। ज़रा के मुताबिक टीम का ऐलान मुशावरत मुकम्मल होने पर शाम 7 बजे के बाद किया जाएगा। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ अकील अहमद से। अकील बताइएगा, ताखिर की वजह क्या है? तखीर की वजह जो हमारे जरा है वो ये बता रहे हैं कि पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जो है कौमी टीम का ऐलान रुकवाया, क्योंकि जो प्रोसेस है वो मुकम्मल नहीं हुआ, क्योंकि इस वक्त 4 सिलेक्टर जो है वो इंग्लैंड में कौमी स्क्वाड के साथ हैं, जिनमें कप्तान बाबर आजम, हेड कोच गैरी क्रिस्टन, सीनियर मैनेजर वहाब रियाज और बैटिंग कोच मोहम्मद यूसफ, जबकि 3 जो सिलेक्टर हैं वो पाकिस्तान में असद शफीक, बलाल अफजल और अब्दुल रजाक। और जो हमारे जराए हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी ने प्रोसेस मुकम्मल ना होने की वजह से ये टीम का जो है रुकवाया है, क्योंकि उन्होंने जो वहां पर 4 सिलेक्टर थे उन्होंने यहां पर जो 3 सिलेक्टर थे उनसे मशावरत ही नहीं की, और जिसके लिए उन्होंने बकायदा एक जो प्रोसेस बनाया हुआ है उसको अडॉप्ट नहीं किया गया, जिसकी वजह से इन्हें रोका गया। अब क्योंकि जो हमारे जराए हैं वो ये इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि क्योंकि अभी प्रैक्टिस सेशन होना है जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 7 बजे वहां पर खत्म होगा यहां पर, और उसके बाद जो मशावरती अमल किया जाएगा वहां पर 4 सिलेक्टर यहां पर जूम के जरिए 3 सिलेक्टर से मशावरत करेंगे, उसके बाद जो है वो टीम को हतमी शक्ल दी जाएगी और टीम के जो है वो उसका जो हतमी शक्ल दी जाएगी उसका जो खिलाड़ियों के नाम चेयरमैन की मंजूरी के लिए भेजे जाएंगे और मोहसिन रजा नकवी जो है वो उसकी मंजूरी देंगे, और उसके बाद जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान मजीद आखिर का शिकार हो गया है। वजूहत भी सामने आई है। अकील अहमद ने अपडेट किया, आपका शुक्रिया।